हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। अब मैं नीचे आई हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं ठंडे ठंडे। और ये मेरी आंटी बैठी हुई हैं, देखिए दोस्तों। आंटी राधे राधे कर लो। राधे राधे। देखिए दोस्तों, आंटी ने राधे राधे भी कर लिया है। अभी मैं आज इस टाइम थोड़ा व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इस टाइम गांव में गए थे, तभी मैं नहीं डाल पाई। अब मैं आ गई हूँ तो अब मैं कंटिन्यू दिखाऊंगी आप लोगों को, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। अभी मैं तुलसी माता को साफ करना है अभी हमको फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक कि मैं ऊपर जाके थोड़ा सा अभी आती हूँ नीचे। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत रेड रेड सा हो रहा है। गेट खोलूं पहले। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे गेट के पास। अब मैं करूँगी काम थोड़ा सा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बच्चे मेरे स्कूल चले गए, मैं तो हूँ अकेली। तो मैं हंडे के पास बैठ गई थी थोड़ा सा। नाश्ता भी मैंने कर लिया है, फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश करूंगी सुबह से ही, लेकिन वही है कि सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ी रहता है, उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अभी मैं दिखाऊंगी, मैं साफ़ करूंगी तुलसी माता को, फिर मिलते हैं आप लोग, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, मैं कर रही हूँ पेड़ों की सफाई मौसी के साथ। देखिए ये देखिए मैं कैसे करती हूँ, ये मौसी दिखाएंगी आपको, लेकिन मैं कैमरा पकड़ के नहीं दिखा सकती आप लोगों को, बैक कैमरे से भी दिखा। अच्छा आ रहा है। आ रहा है तो ये साफ कर रहे हो तुम दोस्तों? हम साफ कर रहे हैं, देखिए आप लोग भी ऐसे साफ करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं तुलसी कौन कौन साफ करता है बताइए। ये सभी कोई साफ करता है, नहीं, कुछ कोई भी नहीं पता साफ किस कर... तरीके से करते हैं। पेड़ को अच्छा बनाने के लिए ये सीखा है मौसी से, मौसी से सीखा है। देखते रहिए दोस्तों मैं कैसे साफ करती हूँ, बना रही है हमारे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग तुलसी साफ करने वाला। ये तुलसी इन्होंने साफ कर दी है, और आप लोग भी अपनी इसी तरीके से तुलसी साफ कीजिए, और तुलसी को लक्ष्मी मैया बिल्कुल बना दीजिए। अच्छा बनाइए, अच्छा बनाइए। तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, इसलिए भगवान लक्ष्मी माता आपके घर में पधारेंगी। इनको अच्छा सा बनाइए, पेड़ पानी डालिए, अच्छी सी इनकी गुड़ाई कीजिए, अच्छी अच्छी सफाई कीजिए। इतनी अच्छी क्रॉस करी है, देखिए हमारी तुलसी, ये वृंदावन हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से अब साथ में ये कंडे थुपे हैं, ये भी पीछे से आ जाते हैं और क्या, ये गोवर्धन, गोवर्धन पूजा भी होती साथ में। आज अभी थूकने वाले लोग आए नहीं हैं, आज अभी आए नहीं हूँ ज्यादा लोग,
हो गई नहीं अभी देखिए दोस्तों, हमने साफ किया और मौसी मेरी बनी कैमरामैन, और हम मौसी दोनों लोग मिलके साफ करते हैं। मौसी ज़्यादा साफ करती, हम थोड़ा कम ही कर पाते हैं। फिलहाल आज मैंने भी सोचा चलो मैं भी साफ करती तुलसी माता को। बने रहिए हमारा ब्लॉग देखते रहिए ऐसे ही। अभी मैं साफ कर लूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों को। साफ कर रही हैं, हमारे लिए पत्तियाँ निकाल रही हैं मंजरी से। देखिए दोस्तों ऐसे निकाल निकाल के कौन रखता है जो अपने चाय में डालते हैं। फिलहाल दोस्तों तुलसी माता हो गई हैं साफ, अब कुछ रह गई तो अगले दिन करूँगी। बहुत टाइम हो गया, अब मैं जाती हूँ ऊपर। देखिए दोस्तों मैंने साफ कर लिया है, सबको साफ कर लिया है। देखिए कितना अच्छा हो गए हैं पौधे, कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। यहाँ पे तुलसी माता तो बहुत ज़्यादा हैं, अब धीरे धीरे फूल भी निकल रहे हैं। फिर जब निकलेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे, अभी कम कम निकले हुए हैं। लेकिन तुलसी माता बहुत हैं, साफ हो गई हैं। अब बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। अभी मिलती हूँ फिर, अभी मैं मिलूँगी आपको, तब के लिए बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं नीचे से आ गई हूँ ऊपर, अब मैं अपना कर रही हूँ काम। मैं दूध आ गया, देखिए दोस्तों आज मैं दूध गर्म कर रही हूँ और आप लोग देखते रहिए। मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया है तो रेड सा हो गया फिलहाल। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मैं दिखाती हूँ खाना, सब्जी वगैरह मेरी बन गई है, बस रोटी बनानी है क्योंकि सुबह बच्चे गए थे तो मैंने सब्जी बना ली थी और मैंने उनके लिए पूड़ियाँ निकाली थी, पूड़ी लेके गए हैं। और मैंने भी नाश्ता थोड़ा बहुत उसमें इसे कर लिया है। दोस्तों बने रहिए, दूध गर्म हो जाता है फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। हेलो दोस्तों, देखिए मेरी बिट्टू आ गई है स्कूल से, मैं अभी लेके आई हूँ। आज यही कपड़े पहन के गई हुई थी। अब घर से बिट्टू जूते पहने, हाँ बिट्टू शूज भी पहने अपने न्यू वो यूनिफॉर्म वाले, क्योंकि फुल कपड़े मैम ने कहा था इनके पास फुल शर्ट थी नहीं, इसलिए मैं इनको टी शर्ट फुल पहना के ले गई थी। और आज मैं इनकी शर्ट फुल शर्ट मैं लेके आऊँगी वाइट कलर की। गाइस देखिए दोस्तों बिट्टू आ गई, गुड आफ्टरनून बोलो इनको भी, गुड आफ्टरनून। और दोस्तों देखते रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग। और ये मेरा बिट्टू है, क्यूट सा गंदा सा। दोस्तों चलो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मैं इनके कपड़े चेंज करती हूँ फिर आपसे आप लोगों से बात करती हूँ। देखते रहिए, मैं इनको खाना पीना थोड़ा बहुत कुछ दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय। हेलो दोस्तों, मैं सो गई थी और मैं उठ गई हूँ सो के, बिट्टू अभी मेरा सो रहा है देखिए। और नू जी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं और हम सो के उठ गए हैं। गाइस क्या करें गाइस, अभी मैं सो रही थी, ये आए हैं नौटंकी बाज वाले तो उन्होंने जगा दिया। बने रहिए ब्लॉग में, अभी हम उठते हैं, अभी आज हम जाएंगे कहीं कुछ काम से, फिर मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों।